उद्धव ठाकरे को अगर साइड में रख दें तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी, ईडी, सीबीआई, वहां भी ये जो इमेज बन रही है बीजेपी की, कि जहां जहां पर बीजेपी आती है क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए वो काम करती है और पूरे देश पर खुद रहना चाहती है, इस आरोप में कितना दम है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यही आरोप लगाया कि वो आप उनकी पार्टी को ही खत्म करना चाह रहे थे और आपने करके दिखाया। देखिए, इसमें एक बात आप समझ लीजिए, जो हम राजनीति में समझते हैं कि राजनीति में कोई व्यक्ति किसी पार्टी को समाप्त नहीं कर सकता। पार्टियां समाप्त होती है अपने करतूतों से, पार्टियां समाप्त होती है जब जनता उस पार्टी को नहीं चाहती। अगर जनता चाहती है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई पार्टी समाप्त नहीं होती, और इस वास्तविकता को हम जानते हैं। अभी देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, कौन लोग एकत्रित आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं घपले घोटालों में फंसे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि देश की सेवा करनी है। उनको ये पता है कि मोदी जी को हटाया तो हमारी पुरानी रेजिम जो थी, घपले घोटाले करो सब साथ में, और कोई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ऐसी जो उस परिस्थितियां हमने यूपीए के काल में देखी, उसी परिस्थिति को बहाल करना चाहते हैं, और इसलिए सारे साथ में आए, कोई एजेंडा दूसरा नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं, वैसे भी ये साथ में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीपी के साथ अब कोई कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं। देखिए, शरद पवार जी की भूमिका पक्की है, शरद पवार जी मालिक है एनसीपी के, और उन्होंने अपनी भूमिका पक्की कर दी, वो तो उनके साथ चले गए। नहीं, लेकिन अजीत पवार तो अब उनके पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। तो देखिए, सवाल क्या है, अजीत पवार थोड़ी मालिक है, पार्टी के मालिक तो शरद पवार है। ये तो सारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज है ना भाई, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे का फैक्शन है उसके मालिक उद्धव ठाकरे, इसके मालिक शरद पवार जी है, और भी पार्टियां देखिए, पहले मुलायम सिंह जी मालिक थे, वो नहीं रहे तो उनके बेटे मालिक हो गए, लालू जी उधर मालिक है, ये लोग मालिक है, हमारे जैसा थोड़ी है, हमारे पार्टी में कोई मालिक नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी, ये तो कहा ही जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है, तो फिर क्या हम ये माने कि भविष्य में कभी अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या फिर शरद पवार, इन सबके साथ कोई तालमेल नहीं? कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूं आपको, ये मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती, परिस्थितियां चीजों को डिफाइन करती है। लेकिन मैं जितनी राजनीति समझता हूं, मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ हम जाएंगे या शरद पवार जी हमारे साथ आएंगे, ये बिल्कुल चीजें स्पष्ट होती है। और साधारणतः हमारा ये मानना होता है, जो हमारे तत्व है उनमें, हमने तो 22 पार्टियों के साथ सरकार चलाई है, एक बार अटल जी ने तो 22 पार्टियों के साथ सरकार चले, तो कोई अछूत नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, हम एमआईएम जैसी पार्टियां, हम मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां, इनके साथ नहीं जा सकते, सूर्य सेक्युलर लोगों के साथ हम नहीं जा सकते, अपीजमेंट करने वालों के साथ हम नहीं जा सकते। नहीं, क्योंकि आप दोनों की विचारधारा अभी भी लगभग सेम है, आपकी और शिवसेना उद्धव गुट की। उद्धव गुट के पास कौन सी विचारधारा है बताइए आप? वो तो कहते हैं हम हिंदुत्व पर लौट कर आ गए नहीं, हैं। तो ऐसी कौन सी चीज की उन्होंने, एक एक उदाहरण कि भाई वो हिंदुत्व पर आए हैं, एक उदाहरण बताइए, भाषण करने के सिवाय उनकी ऐसी कृति बताइए, एक कृति। तो जो उन्होंने धोखा दिया वो एक टीज है मन में आपके, दुख है, बिल्कुल है, उसी की वजह से। वो तो छोड़ दीजिए, मेरे दुख से थोड़ी पार्टी चलती है जी, पार्टी तो यथार्थ से चलती है, वास्तविकता से चलती है, मेरा दुख तो मैं 2 मिनट में बाजू रख दूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी का आम कार्यकर्ता ये मानता है कि इनके साथ हम नहीं जा सकते,